राजस्थान के पिंडवाड़ा में माधव विश्वविद्यालय ने अपने 12वें स्थापना दिवस को भव्यता के साथ मनाया, जहां विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास और उपलब्धियों का उत्सव मनाया गया। बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में कुलाधिपति हिम्मत सिंह देवले मौजूद रहे। वहीं समारोह की शुरुआत विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार ने विश्वविद्यालय को ध्वजारोहण कर की और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजकुमार ने अपने संबोधन में विश्वविद्यालय की स्थापना, उसके विकास की कहानी और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा किया। उन्होंने बताया कि माधव विश्वविद्यालय ने शिक्षा के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए। आगे उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से धार्मिक क्षेत्रों में भी विशेष कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि विश्वविद्यालय की ओर से हर मंगलवार को विश्वविद्यालय के परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के ग्रामीण भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए विश्वविद्यालय के परिसर में आते हैं। वहीं चेयरपर्सन हिम्मत सिंह देवल ने अपने संबोधन में कहा कि माधव विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि समाज कल्याण के कार्यों में भी अग्रणी रहा है। विश्वविद्यालय का हर कदम सकारात्मक दिशा में है, जिससे यहाँ के छात्रों और समाज को लाभ हो रहा है। वहीं विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव माथुर ने बताया कि माधव विश्वविद्यालय पिछले 12 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं और भविष्य में भी अपनी उपलब्धियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि इस अवसर पर विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर वी के गौतम ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने विश्वविद्यालय की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक शैक्षणिक संस्थान नहीं है, बल्कि समाज निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। कार्यक्रम में रजिस्ट्रार भाविश कुमावत ने विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि माधव विश्वविद्यालय ने अपने 12 वर्षों की यात्रा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता दी है। आगे उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने आदिवासी क्षेत्रों में भी शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष पहल की है। साथ ही साथ बता दें कि कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें विभिन्न संकायों के छात्र छात्राओं ने अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं माधव विशेष विद्यालय के दिव्यांग छात्र छात्राओं की ओर से भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को जीवंत कर दिया। वहीं छात्रों ने रंगारंग नृत्य, संगीत और नाट्य प्रस्तुतियां दी, जिससे अतिथियों का मनोरंजन हुआ और कार्यक्रम की भव्यता और बढ़ी। वहीं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर महेंद्र सिंह परमार ने किया। बता दें कि इस समारोह में विश्वविद्यालय के सभी संकायों के अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष सहित वरिष्ठ प्रोफेसर, छात्र और गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। वहीं विश्वविद्यालय की निरंतर प्रगति और उपलब्धियों पर सभी ने गर्व व्यक्त किया। जागरूक टाइम्स के लिए पिंडवाड़ा से विक्रम राजपुरोहित की रिपोर्ट।